मैं मुर्शिद करीम की तरफ से आप सब ख्वातीनों हज़रात, मेरे बच्चे बच्चियाँ, भाई बेटे और बुजुर्ग सबको मुर्शिद करीम का सलाम पेश करता हूँ। हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया के इस उर्स पर हर साल ही होता है, आप तशरीफ लाए। मेरे मुर्शिद करीम अक्सर फरमाया करते हैं कि ये बहुत बड़ी सआदत होती है कि बंदा शामिल हो जाता है। बहुत लोग हैं जो कभी भी नहीं आते और कभी उनको याद भी नहीं पड़ता। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मराबा हाल लाहौर की एक ऐसी टीम मुनज़्ज़म बन गई हुई है। मैं एक 72 साल का नौजवान हूँ। मुझे सिलसिले में 36 साल हो गए। सिलसिले के साथ वाबस्ता था, वाबस्ता हूँ और वाबस्ता रहूँगा। ये मेरे मुर्शिद करीम से कमिटमेंट थी। जब मुर्शिद करीम 20 साल तक मेरे मुजंग के घर में आते थे, रहते थे, उनके साथ मैं बैठता था, सोता था, बातें करता था, तो पहले दिन से ये कमिटमेंट थी कि मियाँ साहब आपने छोड़कर नहीं जाना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की लाख लाख शुक्र है कि मैंने अपनी अनिंग जो है वो बेहतर तरीके से छेड़ी। अल्लाह ताला ने जितनी मुझे तौफीक दी उसके हिसाब से, मुर्शिद करीम की मेहरबानी से मैं सिलसिले के लिए काम करता रहा, करता रहूँगा और इंशाल्लाह आखिरी दम तक सिलसिला मेरा ओढ़ना बिछोड़ना ही रहा। इस उर्स मुबारक पर तकरीरें तो बहुत ज़्यादा, मकाले जात भी हुए। मेरे बाद मुर्शिद करीम का खिताब है तो माशाल्लाह एक नस्ल जवान हो गई है। छोटे छोटे बच्चे आया करते थे अपनी माओ के साथ, अपने बाप के साथ, आज उन्होंने सिलसिले की बागडोर संभाली है। मुल्क की 70% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। तो बाबा जी मेरे कहते हैं कि मियाँ साहब फिर भी बुजुर्गों का साथ होना जरूरी है, नौजवान ने तो आगे बढ़ना ही है। मुझे अच्छी तरह याद है जब 1982 में ये जगह हमने खरीदी तो मुर्शिद करीम को यहाँ पर आए हुए थे, इसकी तकरीब भी हुई तो मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि ये जो पौधा मियाँ साहब हम लगा रहे हैं ये एक दिन एक तनावर दरख्त बनेगा और उसके साये में आने वाली नस्लें हम सबको याद किया करेंगी। इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरी कोई जद्दोजहद नहीं है, ये आप सब बहन भाइयों की मिली जुली काविश है और सबसे बड़ी मुर्शिद करीम की वो मोहब्बत है जिसने हमें जोड़ा रखा। ये मेरे मुर्शिद करीम का कमाल है कि उन्होंने अपने मुर्शिद करीम के कहने पर बहुत जद्दोजहद की, उन्होंने अपनी सारी जिंदगी वक्फ कर दी और उन्होंने इंसानियत के लिए इतना एहसार किया कि उसकी मिसाल नहीं मिलती।
मेरे मुर्शिद करीम मेरे आइडियल है। मैं जब उनका नाम लेता हूं तो मेरी आंखें झुक जाती है, मेरे दिल में वो मोहब्बत, वो प्यार और मेरी आंखों में उनकी वो रोशनी और उनकी वो निस्बत जो है वो उमड़ आती है। मैं अक्सर अपने पीर मुर्शिद का नाम लेकर रोता रहता। मेरे अंदर मुर्शिद करीम की जो लगन है, जो मोहब्बत है, वो बहुत ही ज्यादा है। और मेरे मुर्शिद करीम ने कहा था कि मियां साहब आपने घबराना नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदगी के बहुत नशेबो फराज में ये सब कुछ देखा। आज अगर जिंदगी किसी भी मौके पर मुंह मोड़ लेती है, मैं यहां से रुखसत हो जाता हूं, तो ये जो लगाया हुआ मुर्शिद करीम का बाग है ये तो हमेशा कायम दायम रहेगा। और मुर्शिद करीम ने फरमाया था कि मियां साहब मैं आज ये जो बातें कर रहा हूं ये जरा हटके कर रहा हूं ताकि ना आपके दिल में भी अपने मुर्शिद करीम का हुक्म मानने की जो लगन है वो आपको महसूस हो। जिंदगी में 35-36 साल सिलसिले में रहने के बावजूद किसी वक्त भी ये जो दिया है ये खत्म हो गया, मगर सिलसिले का जो नाम और सिलसिले का जो पैगाम है वो हमेशा के लिए चलता रहेगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2006 में ये अजीमी पब्लिक स्कूल का मुर्शिद करीम ने हुक्म दिया, इस स्कूल को जारी हुए आज तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार 5वीं जमात के तालिब इल्म जो स्कूल में तालीम हासिल कर रहे हैं बोर्ड के इम्तिहान में जा रहे हैं। इस स्कूल को हुकूमत के पाकिस्तान से रिकग्नाइज करवाया गया, इसकी तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। इस इलाके में लोग बहुत ही गरीब हैं और उसकी वजह से अब माशाल्लाह इस स्कूल की जो तादाद है तालिबे इल्मों की वो 160 के करीब है। जिस तरह इमरान साहब ने अभी आपको बताया था कि यहाँ पर जो तालिबे इल्म आते हैं उनमें से अक्सर फीस देने के काबिल नहीं है। जब हमने ये स्कूल शुरू किया तो मेरी भी तर्ज फिक्र यही रही है कि मैंने जो भी काम किया मुर्शिद करीम के हुक्म पर किया और उसमें वसाइल की कमी कभी नहीं आई। ये मुर्शिद करीम का एक बहुत बड़ा कमाल है। जब इस जगह को जो 4-8 एकड़ के करीब जगह है इसको खरीदने का मौका आया तो मैंने आपको बताया कि मसूद साहब उस वक्त फाइनेंस के इंचार्ज थे तो उस जमाने में उन्होंने बताया था कि हमारे अकाउंट में 3 रुपए और 75 पैसे हैं। हमने वो 3 रुपए 75 पैसे दिए, जगह खरीद ली। उसके बाद ये बनती भी चली गई, आज तक बन रही है, ऊपर मंजिल पड़ रही है। फिर वो स्कूल के लिए वो जो जगह प्रॉपर थी, ये तो मुरादा हाल की जगह है, ये हम आर्जी तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रॉपर जो इसकी स्कूल की जगह है वो इसके साथ वाला प्लाट है जिसका वो नक्शा बना हुआ है, उस पर खासी लागत का है और वो भी मुझे उम्मीद है कि मैं अपनी जिंदगी में उसको शुरू कर दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुर्शिद करीम के हुक्म से
मुर्शिद करीम ने कहा कि आप सिलसिले के बहन भाइयों से दरख्वास्त करें कि वो एक एक बच्चा कफालत के लिए अडॉप्ट कर लें। हम इन बच्चों को बताते हैं कि जिनसे हमने फीसें माफ की हुई हैं, जिनको शुरू शुरू में हम दो यूनिफॉर्म गर्मियों की और दो सर्दियों की दिया करते थे, जुराबें भी देते थे, जूते भी देते थे, स्टेशनरी भी देते थे, कापियां भी देते थे, किताबें भी देते थे, मगर ये सारा जो काम था एक मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले के बहन भाइयों ने लब्बैक कहा। 2006 में 25 तालिबिल्मों की कफालत के लिए हमें 25 से 30 लोगों ने हमारी मुर्शिद करीम की आवाज पर लब्बैक कहा और वो उनकी कफालत करते रहे। हालात की वजह से या माली हालात की वजह से वो 25 तालिब इलम कम होते होते आज 7 हो गए। पहले लोग 25 हमें अल्लाह ताला की मेहरबानी से कफालत कर रहे थे, अब 7 हैं। तो मगर हम फिर भी खुश हैं कि अल्लाह ताला करम नवाजी करता रहेगा। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि जब कभी भी आप इस मिशन में, जो हमने ये मुर्शिद करीम ने ये शमा जलाई हुई है, इसमें अगर आप अपना हिस्सा डालना चाहें तो 700 रुपया फी तालिब इल्म के हिसाब से इस स्कूल का है। दूसरी बात रूहानी क्लासेस की है, जो अरसा 2 साल से मुर्शिद करीम के हुक्म से वो चल रही हैं। लाहौर में 3 जगह इन क्लासेस का एहतमाम किया गया है, 2 जगह और भी हम कर रहे हैं। इसमें एक क्लास सुपर टाउन में डिफेंस में बाजी शमा के जेर निगरानी होती है और दूसरी क्लास क्रीम पार्क में बाजी अकबरी अजीमी के जेर इंतज़ाम होती है और तीसरी क्लास हम मजामिने कर रहे हैं। शुरू शुरू में इन क्लासेस में तालिब इल्मों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, मजामिने तकरीबन 40 के करीब तालिब इल्म थे, वो कम होते होते अब तकरीबन 20 के करीब रह गए। इसी तरह बाजी शमा ने भी बताया और अकबरी अजीमी साहबा ने भी बताया, वो भी क्लासें शुरू शुरू में 25-30 के करीब तालिब इल्म थे, अब उनकी भी 15 और 20 के दरमियान जो है तालिब इल्म आजकल इन क्लासों को अटेंड करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो क्लासेस के तालिब इल्म हैं उनमें देखा होगा कि मुर्शिद करीम बारास्त कराची से खिताब फरमाते हैं, तो उन क्लासेस में वो महीने में एक बार होती है, मगर उसकी अफादियत ये है कि मुर्शिद करीम की तर्ज फिक्र जो है वो मुंतकिल होती है। मुर्शिद करीम जो चाहते हैं उसका जो पैगाम है वो आप सब खवातीनों हज़रात को वहाँ पर मिल जाता है और अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुर्शिद करीम जो सिलसिले का काम है वो उसी तरीके से जारी और सारी है। मैं सिर्फ और सिर्फ आखिरी बात जो यहाँ पर हुज़ूर कलंदर बाबा औलिया के उसके सिलसिले में आप तमाम खवातीनों हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ लाए हुए हैं, जो
मुर्शिदे करीम अक्सर फरमाया करते हैं कि आप अपनी तर्ज़े फिक्र को बदलें। तर्ज़े फिक्र को बदलने से मुराद ये है कि आप सबसे पहले इस चीज़ को मुतालिक सोचें, जब आप सिलसिले में नहीं थे उस वक्त आपका ज़हन क्या था और आपके हालात क्या थे। जब आप सिलसिले में शामिल हो गए उसके वक्त अब आपकी कैफियत क्या है। मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि इसमें लाजमी तौर पर फर्क आया होगा, एक तब्दीली जरूर आई होगी। और मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अगर इंसान अपनी सोच को और अपनी उस तर्ज फिक्र को अल्लाह ताला की तर्ज फिक्र के ऊपर मुंतकिल कर दे तो उसकी परेशानियां जो है वो दूर हो जाती है। अपने अंदर खुश होने की कैफियत पैदा करें। जब आप जिस तरह मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि एक बंदा जब वो खुश नहीं होगा तो वो जन्नत में नहीं जा सकता, तो सिलसिला अज़ीमिया के लोगों के लिए तो वैसे ही मुर्शिद करीम ने फरमाया हुआ है कि ये तो सब लोग जन्नती हैं, क्योंकि इनके अंदर खुश रहने की और खुशी को महसूस करने की तर्ज फिक्र है। हालात ख्वाब कैसे भी हो जाए, आपने खुश रहना है और खुशी के लिए जो भी आप तरीका बेहतरीन है वो अगर आप अडॉप्ट करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अपने ज़हन को शक, गुस्सा, बुग्स बिल्कुल साफ करें। ये चीज़ें जो हैं, शक जो है उसकी जितने सालों की आबादत होती है और गुस्से की हालत में वो सारी रोशनी जल जाती है। हर काम अगर मिन जानिबे अल्लाह आप करार दे दिया जाए कि अल्लाह ताला का जो हुक्म होगा, जिस तरह वो मेरी बेटी आशा ने फरमाया कि अगर आपके पास मोटरसाइकिल है और आप कार लेना चाहते हैं तो मोटरसाइकिल पर शुक्र अदा करें और कार के लिए जद्दोजहद करें। अगर आप अपने जहन में, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं कि अगर आपकी छत नहीं है और आपने छत के लिए कोशिश भी नहीं करते, कहते हैं तो जो अल्लाह ताला आप ही देगा, अल्लाह ताला तो देगा मगर उसके लिए तो कोशिश भी तो करनी है ना भाई। तो अर्ज ये है कि अल्लाह ताला का जो नेमतें अल्लाह ताला ने आपको अता की हैं उनका तो शुक्र अदा करें, और दूसरी नेमतों के लिए जो आप चाहते हैं कि हमें मुयस्सर आ जाए उसके लिए जद्दोजहद करें। आज की इस बात में मैं इस बात को आपको बता दूं कि जो लोग कहते हैं कि हम मुर्शिद करीम की तर्ज फिक्र को अडॉप्ट करेंगे, जिस तरह मुर्शिद करीम सोचते हैं उस तरह अपने जहन को करेंगे, भाई मुर्शिद करीम तो झूठ नहीं बोलते, मुर्शिद करीम गुस्सा नहीं करते, मुर्शिद करीम बोझ नहीं करते। आप तर्ज फिक्र अगर वो अडॉप्ट करना चाहते हैं तो अपने अंदर गुस्सा, शक, बुग्स ये खत्म करें, और इसके लिए ख़त्म करने का बेहतरीन तरीक़ेकार जो सिलसिला अज़ीमिया बताती है वो है कंसंट्रेशन, जो वो है मुराकबा। आप मुराकबे में बैठे आंखें बंद करें, तसव्वुर मुर्शिद करीम का करें, आपको मुर्शिद करीम की वो तर्ज़ फ़िक्र है आहिस्ता आहिस्ता मुंतकिल होनी शुरू होगी। धीमे आवाज में गुफ्तगू करें,
बाज बात ये होता है कि इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में और ऊंची ऊंची आवाज से बोलता है, उससे क्या फर्क पड़ेगा? रोशनी तो आपकी जल जाएंगी। उन रोशनियों को कंट्रोल करने के लिए मुर्शिद करीम ने तरीकेकार बताया है कि अपनी गुफ्तगू में बहुत धीमा पालना है, आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू करें। कोई आपके खिलाफ बात करता है तो वो आप जेन के ऊपर ना लाए, कोई बात नहीं है। जिस तरह इमरान साहब ने कहा था ना कि सिलसिले में, सिलसिले के क्वाडों जवाबत में है कि हर बंदा एक दूसरे के साथ एक चेन की तरह मुंसलिक है। अगर आप इस चेन को मजबूती के साथ थामे रखेंगे तो सिलसिले में भी आपको इज्जत मिलेगी, सिलसिले में भी आपका वकार बुलंद होगा, अल्लाह ताला आपसे राजी होगा। जब अल्लाह ताला आपसे राजी होगा तो आपके सारे काम ऑटोमेटिकली होंगे। ये तो मेरे मुशाहदे में है, मैंने ये 36 साल जो सिलसिले में गुजारे ये मैंने देखा है। माली वसाइल कभी हाल नहीं आए, ये हर चीज जो है उसके लिए एक वक्त मुकर्रर जरूर होता है, मगर जदोजहद जो है वो जारी और सारी रहनी चाहिए, और उसके लिए जो ज़हन है ज़हन को बिल्कुल पाक और साफ होना चाहिए। अल्लाह ताला के साथ अगर आपने एक तअल्लुक़ कायम करना है, अल्लाह ताला के साथ उसकी इस मईशत में एक हिस्सेदार बनना है, तो अल्लाह ताला की जो पैगंबराना तर्ज़ फ़िक्र है, जो तमाम सलासल में तमाम बुजुर्गान दीन तमाम औलिया अल्लाह हर चीज का महवर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात को रखते हैं। मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मिला तो उसका तकाजा नहीं है, सिर्फ उसकी जदोजहद। तो मैं आप सब के लिए दुआगो हूं, इंशाल्लाह बाबा जी के खिताब के बाद नमाज के लिए ये अभी इमरान साहब आपको बताएंगे मस्जिद में नमाज का इंतज़ाम किया गया है, वहाँ नमाज होगी और उसके बाद लंगर का इंतज़ाम किया गया है। आप सब दोस्तों को एक बार फिर, और वो दोस्त जो बाहर से आए उनके लिए भी मैं मराठवा हाल की इंतज़ामिया की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आप सब लोगों का कि आप यहाँ पर इतने दूर दराज सफ़र करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है जिन लोगों ने हमें दुआ के लिए भी लिखा है और ख़ास तौर पर दुआ के लिए ये नाम भेजे गए हैं, उन सब लोगों के लिए भी मिलकर आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उन सब की मुश्किलें आसान फरमाएँ। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको मुर्शिद करीम की तरह फिक्र अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपके कारोबार में, आपके घर में अपनी रहमतें निछावर फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ कहूँ कि अल्लाह ताला आपको सिलसिले के साथ जो वाबस्तगी है उसको अल्लाह ताला कायम और दायम रखे, और मुर्शिद करीम की रहमतें हम सब पर नाज़िल रहें हमेशा। खुदा हाफ़िज़। जैसे कि भैया साहब ने बताया कि अब खिताब होगा हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन अज़ीमी साहब का, लेकिन उससे पहले एक अनाउंसमेंट ये है कि नमाज ज़ोहर का वक्त भी हुआ जाता है, ठीक खिताब के बाद हम नमाज ज़ोहर अदा करेंगे, मस्जिद में उसका इंतज़ाम भी है और साथ में लंगर का भी इंतज़ाम है। एक आखिरी अनाउंसमेंट ये भी मैं उन लोगों को बताता चलूँ जो कि इसमें इंटरेस्टेड हैं, 26 जनवरी को रूहानी वर्कशॉप का इनेकाद किया जा रहा है कराची मरकज में, और इसके लिए जो एडवांस बुकिंग है टिकट की बजरिया रेल उसके लिए एक रजिस्ट्रेशन बूथ बाहर कायम कर दिया गया है। तमाम लोग जो कि इस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ।
26 जनवरी को रूहानी वर्कशॉप जो जिसका जिक्र हमने किया, मियां साहब ने जिक्र किया, वो कराची में होने जा रही है। उसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो वहाँ बाहर हो रही है और रजिस्ट्रेशन बूथ कायम कर दिया गया है, लोग वहाँ से रब्ता कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसा कि पहले भी मैंने जिक्र किया कि कराची में हजूर कलंदर बाबा वालिया का जोश होता है 27 तारीख को है, वहाँ पर एक दिन का लंगर लाहौर मरकज की तरफ से जाता है। सो जो लोग उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो भी बाहर हमारे सिलसिले के लोग मौजूद हैं, उनसे रब्ता कर सकते हैं। और आखिरी बात ये कि अजीम पब्लिक स्कूल जिसमें आप और मैं सब लोग इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ गरीबों के बच्चे तालीम हासिल करते हैं। हम लोग अपने बच्चों के लिए तो बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्कूल इंग्लिश मीडियम और दूसरे मीडियम जितने भी हैं वहाँ पे उनके लिए तालीम का बंदोबस्त करते हैं, आखिर ये भी हमारे अपने बच्चे हैं। ठीक है, जैसे कि सिलसिले के लोग चेन हैं तो सिलसिले के जरिए जो काम हो रहा है वो भी हमारी जिम्मेदारी है, आपको और हम सब लोगों को मिलकर इसको आगे लेके चलना है। तो जो लोग उसमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहें, फी बच्चा 700 रुपया वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसके लिए भी बाहर आप रब्ता कर सकते हैं। और अब सुनते हैं हजरत ख्वाजा शमसुद्दीन अजीमी साहब का खिताब।